नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल ऑर्गेनिक एंड हाइड्रोपोनिक अर्बन ग्रो पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे, हमने जो DWC क्रैटकी मेथड में टमाटर और बैंगन के पौधे लगाए थे उनकी अभी क्या स्थिति है और साथ ही में उसमें किए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण काम के बारे में। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि टमाटर के पौधे को सपोर्ट कैसे दिया जाए और उसके लिए क्या क्या चीज़ों की हमें ज़रूरत होगी। यही सारी बातें आज के इस वीडियो में आपके साथ में शेयर करूंगा। पूरी जानकारी पाने के लिए जुड़े रहिएगा वीडियो के अंत तक। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, ये जो आप देख रहे हो ये सारी मेरी DWC बकेट्स है, जिसमें मैंने जब ये पौधे ट्रांसफ़र किया था तो आपको वीडियो से अपडेट किया था। अब आप देख सकते हो कि ये सारे पौधों ने बढ़वार ले ली है और यदि हम इसको देखें ध्यान से तो इसकी रूट्स जैसे ये टमाटर के पौधे हैं और मैं आपको खोल के दिखा रहा हूँ, आप देखिए कितनी लंबी रूट्स आई है इसकी। ये सारी रूट्स उसको खुराक और पानी पहुँचाती रहेगी। मैं संभाल के इसको वापस अंदर रख देता हूँ। इसी तरह ये हो गए टमाटर के पौधे। इसी तरह बैंगन के पौधे भी देखेंगे तो देखिए बैंगन के पौधे में रूट ज़्यादा गुच्छे में आई है टमाटर के पौधे के मुकाबले, बट काफ़ी रूट्स आई है और पौधे भी अभी 6-8 पत्ते की बढ़वार लेकर अच्छे से बढ़ रहे हैं। अभी इस समय हमें इसको सपोर्ट देना पड़ेगा। टमाटर को हम एक डाली पर बढ़ाने वाले हैं और बैंगन को हम दो डाली पर बढ़ाने वाले हैं। बैंगन के पौधे को अभी थोड़ा टाइम है, हम रुक सकते हैं थोड़ा, पर टमाटर के पौधे को अभी हमने सपोर्ट नहीं लगाया तो ये इस तरह झुकना शुरू हो जाएंगे और जैसे ये झुकना शुरू हो जाएंगे यहाँ से उसमें नई शाखाएं फूटना शुरू हो जाएगी जो हमें चाहिए नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम रस्सी और क्लिप्स उसकी मदद से हम इन टमाटर के पौधों को सीधे लटका देंगे। तो आइए देखते हैं रस्सी और क्लिप की मदद से हम इसको किस तरह लटकाते हैं। तो आइए अब हम हमारे टमाटर के पौधे को सपोर्ट देने का काम शुरू करते हैं। इसके लिए हमारे पास ये धागे थ्रेड है और हमारे पास ये क्लिप है। तो सबसे पहले हम ये जो धागे हैं, हमारे थ्रेड है, उनको जो एक ऊपर ऑलरेडी हमने एक वायर बांध के रखा है ट्रेलिस का, उसके ऊपर लटका देंगे। तो उसके लिए हमें सिंपल सी नोट बना के ऊपर इसको लटका देना है। हमें एक एक करके इसको एक बाल्टी के चार वायर के हिसाब से चार टमाटर के पौधे के वायर लगाने हैं। तो देखिए इस तरह हम इसको लगाते जाएंगे। इसी तरह हम सारे वायरों को लगा देंगे और उसके बाद हमारा क्लिप लगाने का काम शुरू करेंगे। तो देखिए अब हमने इस तरह वायर सारे बांध लिए हैं रोप को। अभी हम इन टमाटर के पौधों को सपोर्ट देंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें से एक एक करके हमें तार को लेते जाना है और ये जो क्लिप है ये क्लिप में यहाँ पे लॉक है इस तरह, तो इसमें इसको फंसाना है। हमारे पौधों की जो सबसे नीचे वाली पत्ती है उसके अंदर एक क्लिप को घुमाएंगे और इसको लॉक करते जाएंगे इस तरह। उसके बाद हमें इस पौधे को इस तरह इसके बाजू में थोड़ा सा लपेट के सपोर्ट दे देना है। देखिए इस तरह ये पौधा अभी अच्छी तरह सपोर्ट ले लिया। अभी ये इस रस्से पर ऊपर पड़ेगा। एक और पौधे को करते हैं। एक और रस्सी ले ली हमने, तो अभी एक और पौधे को करते हैं। तो एक रस्सी और ले ली हमने, एक और क्लिप ले ली, फिर से इसको ये जो ग्रू है उसके अंदर फंसा दिया और सबसे नीचे वाले पत्ते में इसको बांध दिया इस तरह और इस पौधे को हमने इस पर सपोर्ट ले लिया। देखिए बहुत ही आसानी से हम इस तरह क्लिप और उसकी मदद से सपोर्ट दे सकते हैं। इसी तरह हम सारे पौधे में ये सपोर्ट देने का काम कर लेंगे।
ये देखिए, ये तो अभी हमारा टमाटर के पौधे को सपोर्ट देने का काम खत्म हो चुका है और आप देख सकते हो कि अभी सारे टमाटर के पौधे इतनी छोटी सी जगह में कितनी अच्छी तरह सेट हो गए हैं। सपोर्ट देने के बाद सीधा उसको रखने के बाद आप ये भी देख सकते हो कि इसकी कितनी अच्छी बढ़वार हुई है, जो सिर्फ 15-17 दिन में ये डीप वाटर कल्चर बकेट में डालने के बाद हुई है। अभी हम इन टमाटर के पौधों को खाली एक तने पर बढ़ाने वाले हैं, जिससे उसकी जो फ्रूटिंग कैपेसिटी है वो अच्छी रहेगी और बेल अच्छी तरह बढ़ पाएगी। सो आप भी अपने टमाटर के पौधे को इस तरह सपोर्ट दीजिए और हेल्दी बना के रखिए। हैप्पी ग्रोइंग।